चापा इन दिनों सारा गांव नगर पंचायत क्षेत्र में विद्युतीकरण विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जहां संबंधित ठेकेदार के द्वारा अपने ठेका कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए बिना सुख सुविधा व उपकरणों के जान जोखिम में डालकर कार्य कराया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें लंबे लंबे खंभों लगातार उसे केबलिंग का कार्य किया जा रहा है। बताया जाता है कि संबंधित विद्युत ठेकेदार के द्वारा अपने माथक कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहना होगा कि ठेका ने विद्युत कर्मियों को कार्य के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाला सुरक्षा उपकरण का कहीं कोई अता पता नहीं है और वह ठेकेदार के विद्युत कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने उदर पूर्ति के वास्ते कार्य करने के लिए इतना मजबूर हैं कि वह अपनी जान की परवाह तक नहीं कर पा रहे, जबकि संबंधित विद्युत ठेकेदारों के द्वारा सुरक्षा अधिनियम, श्रम अधिनियम सहित इसी प्रकार के सुरक्षा नियमों को ताक में रखकर अपने श्रमिकों के साथ समझौता करके जिंदगी को खतरे में डालने जैसी हरकत की जा रही है। यदि कार्य के दौरान किसी विद्युत कर्मी का जान पर खतरा आना पड़ता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही पर यह बताना लाजिमी होगा कि संबंधित ठेकेदारों के द्वारा हर दृष्टि से अपने कर्मचारियों के सुरक्षा सांगन का इंतजाम किया जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, जहाँ श्रमिकों के साथ कार्य के दौरान जान को जोखिम में डालकर कार्य कराया जा रहा है।